शनिवार को सुबह कोराडी थर्मल पावर स्टेशन का एज डैम फटने के बाद तुरंत रात भर पानी का बहाव बंद कर दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि पावर स्टेशन के अधिकारी, इंजीनियरों और कर्मचारियों ने उचित प्रयास से इस पानी के बहाव को रोक दिया। यद्यपि वर्तमान में लगातार बारिश हो रही है, राग बांध में तत्काल अल्पकालिक नियोजन कार्य किया गया है। जिला प्रशासन को 17 जुलाई से प्रभावित व्यक्तियों, पशुओं, कृषि भूमि, नालों, कुओं आदि को हुए नुकसान की सूचना दी गई थी। साथ ही पावर स्टेशन द्वारा प्रारंभिक सर्वेक्षण निरीक्षण अभियान चलाया गया। स्थानीय स्तर पर कमेटी बनाकर इस काम को पूरा किया गया। प्रभावित नागरिकों और स्थानीय सरपंच की मांग के अनुसार गाँव में तुरंत टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति की गई और क्षेत्र में बीमारी को फैलने से रोकने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी किया गया। रेलवे लाइन के नीचे महसाला टोली बस्ती के प्रभावित नागरिकों को उनकी मांग के अनुसार बिजली केंद्र द्वारा तत्काल आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई गई। इनमें 15 परिवारों को गेहूं, चावल, अरहर की दाल, मिर्च पाउडर, हल्दी, जीरा, सरसों तेल की जेब, बिस्कुट, साबुन और 1.5 से 2 महीने के लिए जरूरी खाद्य सामग्री का वितरण कर राहत राशि दी गई है। साथ ही प्रभावित नागरिकों के घरों में पानी जाने के कारण जल्दी हर परिवार को बच्चों के लिए गद्दे, तकिया, स्कूल की किताबें और यूनिफॉर्म बांटी जा रही है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़, नागपुर।